नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। घट रहा है कुछ अशुभ तो कुंडली में देखें राहु और शनि की स्थिति। जब जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में शनि राहु या शनि केतु की युति हो तो प्रेत श्राप का निर्माण करती है। शनि राहु या शनि केतु की युति उस भाव के फल को पूरी तरह बिगाड़ देती है तथा लाख यत्न करने पर भी उस भाव का उत्तम फल प्राप्त नहीं होता है। हर बार आशा तथा हर बार धोखे की आंख मिचौली जीवन भर चलती रहती है। वह चाहे धन का भाव हो, संतान सुख, जीवन साथी या कोई अन्य भाव, भाग्य हर कदम पर रोड़े लेकर खड़ा सा दिखता है। को पार करना बार बार की हार के बाद जातक के लिए अत्यंत कठिन होता है। शनि और राहु यानी प्रेत श्राप योग यानी ऐसी घटना जिसे अचनचेत घटना कहा जाता है। अचानक कुछ ऐसा हो जाना जिसके बारे में दूर दूर तक अंदेशा भी ना हो और भारी नुकसान हो जाए। इस योग के कारण एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जाती है। यदि शनि या राहु में से किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो या आयुकाल चल रहा हो यानी 7 से 12 या 36 से लेकर 47 वर्ष तक का समय हो तो मुसीबतों का दौर थमता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी शुभ या योगकारी ग्रह की दशा काल हो और शनि और राहु रूपी प्रेत श्राप योग की दृष्टि का दुष्प्रभाव उस ग्रह पर हो जाए तो उस शुभ ग्रह के समय में भी मुसीबतें पड़ती हैं जिस पर अधिकतर ज्योतिष गण ध्यान नहीं देते। परंतु पूर्व जन्म के दोषों में इसे शनि ग्रह से निर्मित पितृ दोष कहा जाता है। इस दोष का निवारण भी घर में संतान के जन्म लेते ही ब्राह्मण की सहायता से करवा लेना चाहिए, अन्यथा मकान संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, प्रॉपर्टी बिकनी शुरू हो जाती है, कारखाने बंद हो जाते हैं, पिता पर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। नौकरी पेशा हो या कारोबारी, संतान के प्रेत श्राप योग के कारण बाप का काम बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे योग वाले के घर में निशानी होती है कि जगह जगह दरारें पड़ना, सफाई के बावजूद भी गंदी बदबू आती रहना, घर में से जहरीले जीव जंतु निकलना, बिच्छू सांप आदि। इसलिए ये प्रेत श्राप योग भारी मुसीबतें लेकर आता है और इस योग के दशम भाव पर प्रभाव के कारण ही चलते हुए काम बंद हो जाते हैं। सप्तम भाव पर प्रभाव के कारण ही शादियां टूट जाती हैं। अष्टम भाव पर इसका प्रभाव हो तो जातक पर जादू टोना जैसा अजीब सा प्रभाव रहता है और दर्दनाक मौत होती है। नवम भाव में हो तो भाग्यहीनता ही रहती है। एकादश भाव में हो तो मुसीबतों से लड़ता लड़ता इंसान हार कर बैठ जाता है और मेहनत के बाद भी फल नहीं पाता इत्यादि। कुंडली के सभी भावों में इसका बुरा प्रभाव रहता है। मित्रों, ज्योतिष कोई जादू की छड़ी नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष में जो ग्रह आपको नुकसान करते हैं उनके प्रभाव को कम कर दिया जाता है और जो ग्रह शुभ फल देता है उनके प्रभाव को बढ़ा दिया जाता है। राहु को आकस्मिक लाभ का कारक माना गया है। राहु से कबाड़ का और बिजली द्वारा किए जाने वाले काम को देखा जाता है। राहु का संबंध ससुराल से होता है। यदि शनि और राहु एक साथ एक ही भाव में आ जाएं, तो व्यक्ति को प्रेत बाधा आदि टोने टोटके बहुत जल्दी असर करते हैं, क्योंकि कुछ शनि को प्रेत भी मानते हैं और राहु छाया है, इसे प्रेत छाया योग भी कहा जाता है। पर सामान्य व्यक्ति इसे पितृ दोष कहता है। यदि राहु की बात की जाए तो राहु जब भी मुश्किल में होता है तो शनि के पास भागता है। राहु सांप को माना गया है और शनि पाताल मतलब धरती के नीचे, सांप धरती के नीचे ही ठीक निवास करता है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि यदि किसी चोर या मुजरिम राजनेता रूपी राहु पर मंगल रूपी पुलिस या सूर्य रूपी सरकार का पंजा पड़ता है तो वे अपने वकील रूपी शनि के पास भागते हैं। सीधी बात है, राहु सदैव शनि पर निर्भर करता है, पर जब शनि के साथ बैठ जाता है तो शनि के फल का नाश कर देता है। शनि उस व्यक्ति को कभी बुरा फल नहीं देते
जो मजदूरों और फोर्थ क्लास लोगों का सम्मान करता है, क्योंकि मजदूर शनि के कारक हैं। जो छोटे दर्जे के लोगों का सम्मान नहीं करता, उसे शनि सदैव बुरा फल ही देते हैं। आप अपनी कुंडली ध्यान से देखें। अगर आपकी कुंडली में भी राहु और शनि एक साथ बैठे हैं, तो आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।